न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वृक्षारोपण महाकुंभ पर जिले में हुआ रिकॉर्ड तोड़ पौधरोपण। नगर विधायक, प्रमुख सचिव ऊर्जा, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने लगाए वृक्ष। कहा, पर्यावरण संरक्षण के साथ होगा जल संरक्षण व वातावरण हरा भरा। 27 सूत्रीय मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे सफाइयों से पुलिस की हुई झड़प। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, बाद में हुई रिहाई। बड़ागंज थाना क्षेत्र के दवना डी में हुई हत्या व हत्या के प्रयास में वांछित 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, एक अभियुक्त पर पहले से ही था 10,000 इनाम घोषित। सदर सांसद रवि किशन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। मेल आर्थो वार्ड में भर्ती मरीजों का अभिनेता व सांसद रवि किशन ने पूछा हाल। सांसद ने डॉक्टरों की कमी के मसले को सीएम के सामने उठाने की कही बात। बेतिहाता स्थित आयुक्त आवास परिसर में कमिश्नर ने अपनी मां के साथ किया पौधरोपण। का ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के लिए हर व्यक्ति अवश्य लगाए वृक्ष। कोतवाली थाना परिसर में स्थापित बाल मित्र कक्ष का बच्चों के साथ एसएसपी ने किया उद्घाटन। कहा, पुलिस से खुलकर अपनी बातें रख सकेंगे बच्चे, होगी उनकी काउंसलिंग। रक्षाबंधन त्यौहार के पूर्व एसएसबी के जवानों को गोरखपुर की बहनों ने बांधी राखी। एसएसबी के इंस्पेक्टर ने कहा, भारत माता की सेवा के साथ साथ अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए सदैव रहेंगे तत्पर। एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने बेलीपार थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त। आम जनमानस को दिलाया सुरक्षा का एहसास। कहा, गोरखपुर पुलिस बल है आपके साथ। रिजर्व पुलिस लाइन व महिला थाने में भी हुआ पौधरोपण। दिया गया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। और दी कमिश्नर कोल्ड बार एसोसिएशन गोरखपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी वक्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद धारा 370 के हटाए जाने के संबंध में की गई चर्चा।